हम लोग पहुंच चुके हैं कैंटन टावर। मेरे पीछे है कैंटन टावर और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। नाइट का व्यू इसका अलग से खूबसूरत है और डे का व्यू इसका अलग से खूबसूरत है। मैं किसी दिन डे टाइम आऊँगी और आपको इसका डे टाइम का भी व्यू दिखाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं नाइट टाइम का व्यू। ये मेरे ऊपर आप देखें, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, जिसे गर्दन को यूँ ऊपर करके देखना पड़ता है। इसके साथ ये एक IFC की बिल्डिंग है, वो भी बहुत ऊंची बिल्डिंग है। और अगर इसका डे टाइम हम लोग देखें तो डे टाइम आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ऊंची बिल्डिंग है। कि यहाँ पर ये सामने इधर ये लाइब्रेरी है, अगर मैं डे में विज़िट करूँगी तो फिर मैं आपको ये लाइब्रेरी भी विज़िट करवाऊँगी। और दूसरी बात ये, अभी आपको मेरे पीछे जो है जो रश है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर इतना कम रश होता नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है आजकल, क्योंकि जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, यहाँ पर बच्चे स्कूलों में वापस गए हैं, उन्होंने याशियाँ जितनी करनी थी वो कर ली हैं, और इस वजह से अब वो घरों में टिक के बैठे हुए हैं। वरना अगर आप आम दिनों में आएँ छुट्टियों से, अगर पहले आप आए होते तो आप देखते यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पास में एक चूचियांग रिवर भी है जो दिन में देखने वाला होगा। अब इस टाइम भी आप लोग व्यू देख सकते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये ग्वांगजू के सबसे मशहूर पॉइंट्स में से एक है। अगर आप गूगल पर ग्वांगजू लिखकर सर्च करेंगे तो जो तस्वीरें सामने आएंगी उनमें लाजमी मौजूद होगा। शहर के लिए अहम होने के साथ साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में भी आता है। अगर दुनिया के बुलंद तरीन टावर्स को देखा जाए तो ये दूसरा बुलंद तरीन टावर है, क्योंकि इसकी हाइट 604 मीटर है, जबकि सबसे बुलंद टावर टोक्यो स्काई ट्री की बुलंदी 678 मीटर है। अगर बिल्डिंग्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो सिर्फ तीन बिल्डिंग्स, दुबई का बुर्ज खलीफा, कुआलालंपुर का मर्देका और शंघाई का शंघाई टावर इससे बुलंद है। इसकी तमीर नवंबर 2007 में शुरू की गई और 112 मंजिलों पर मुश्तमिल ये टावर $450 मिलियन की लागत से तमीर किया गया। 2010 में तमीर मुकम्मल होने पर 30 सितंबर 2010 को एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आवाम के लिए खोला गया। इसके अंदर एक लिफ्ट भी मौजूद है जिसके ज़रिए ऊपर जाकर पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट की टिकट 400 युआन है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 रुपये हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली दफ़ा हम आपको टावर के ऊपर से वीडियो बनाकर दिखा सकें। अगर आपने कैंटन टावर का बेस्ट व्यू एंजॉय करना है तो लाइन 3 के चूचियांग मेट्रो स्टेशन का सी एग्जिट लें। यहां से आप इंटरनेशनल फनान सेंटर के साथ स्क्वायर में पहुँच जाएंगे, जहाँ से दरिया की दूसरी तरफ कैंटन टावर का दिल फरेब नज़ारा मौजूद होगा। स्क्वायर बहुत बारौनक जगह है, जहाँ एक तरफ IFC टावर, इसके साथ ग्वांगजू ओपरा हाउस और दूसरी तरफ ग्वांगजू लाइब्रेरी मौजूद हैं। दिन के वक्त अगर यहाँ आए तो ग्वांगजू लाइब्रेरी जैसी पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह शायद ही आपको मिले, और रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनियों से सजे क्रूज़ दरिया में चलते हैं। अगर आपने क्रूज़ की सवारी करनी है, वरना दरिया किनारे बने हुए रास्ते पर वॉक कीजिए। एक तरफ पानी, दूसरी तरफ रोशनियाँ, रात का सुकून, अपनी परेशानियों से बेफिक्र टूरिस्ट और चहचहाते बच्चे आपको मशहूर कर देंगे। व्लॉगर के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, साथ साथ मुझे मन्हा को भी देखना पड़ता है। इसके बाल खराब हो गए हैं, इसका मुंह गंदा हो गया है और इसके कपड़े गंदे हो गए हैं, साथ साथ ये भी देखना पड़ता है। इतने से मुझे आ गए चक्कर और मेरा सर नहीं जमीन घूम रही है। आई गन इज टू फे हो हो से वो पे दिया जला सो 300 क्या हुआ आपको? मैंने खाना खाना ये खाने की जगह है। बिल्कुल भी नहीं खाया, ये सिर्फ कैंडियाँ खाती रही है। अब इसे भूख लगी, अब ये कह रही है कि यहाँ मैं बैठ गई और मुझे खाना दिया जाए। जो हम लोगों ने पैक करवाया है वो अब खाना नहीं खाएगी। हाँ जी, क्या चाहिए? खाना। उन्होंने कितने तरतीब के साथ ये फ्लावर्स की रो बनाई हुई है
अगर ये येलो वाले फ्लावर्स आ रहे हैं, येलो वाली वो बेल सी आ रही है तो वो येलो ही आ रही है, आगे रेड है वो पिंक है, मतलब एक बैलेंस के साथ इन लोगों ने ये सारा जो है ना वो खूबसूरत सा व्यू बनाया हुआ है। मनहा बात तो सुने, मनहा आपको क्या चाहिए, लॉलीपॉप खाने? अभी इसे फौरन बैग फौरन देखना मेरी तरफ, अगर मैंने इसके इसे सिर्फ लॉलीपॉप का नाम लेना। मनहा लॉलीपॉप खाना आपने मेरे बैग में, ये लो। ये कैसा सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने कि ये ऐसे, मैं कहती हूँ आप मुंह आगे करें। जगह काफ़ी ओपन होने की वजह से दिन में तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है जगह, और बहुत ज़्यादा ओपन होती है। यहाँ पर पास में एक दरिया भी है जो दिन में देखने वाला होगा, अब इस टाइम भी आप लोग व्यू देख सकते हैं लेकिन अंधेरे की वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये हवा नहीं चल रही है, हल्की हल्की बस, मौसम इतना अच्छा है कि पसीना नहीं आ रहा है। अगर हवा चले तो थोड़ा सा हमारा जो एनिवर्सरी का जो मज़ा है वो दुबला हो जाए। हमारी वापसी हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वापसी पे हम लोगों ने लिया APM। APM की ख़ास बात ये है कि इसमें ड्राइवर नहीं होता, तकरीबन एक मिनट का स्टेशन है मेनसी तक का। और आप देखें कि मनहा जो है वो बिल्कुल शीशे के पास बैठी हुई है, और ये बाहर का व्यू आराम से आप देख सकते हैं। Thank you.